रवि शंकर प्रसाद इस वक्त राज्यसभा के स्थगित होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इस बिल पर कांग्रेस पार्टी का रवैया धुलमुल था और विरोधी था। लोकसभा में कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया और राज्यसभा में दूसरा स्टैंड लिया और तमाम अड़चन के साथ इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। सदन में हमारे नेता माननीय अरुण जेटली जी ने विषय को स्थापित उपस्थित किया है, मैंने बिल को मूव किया है, हमारे बाकी सभी मंत्रीगण और सदस्यगणों ने अपनी बात विस्तार से कही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस सुनने को तैयार नहीं है। और मैंने जो बात लोकसभा में कही थी आज मुझे बोलने से रोका गया। मैं यहां भी कहने वाला था ये 3.5 क्लॉज का बिल है, सिर्फ 3.5 क्लॉज का। अगर सदन में कांग्रेस पार्टी का कोई भी रचनात्मक सुझाव आएगा हम खुले मन से उसको सोचने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस से भागती है। कांग्रेस पार्टी इस बिल को लटकाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के 17 के फैसले के बावजूद, लोकसभा के द्वारा पारित होने के बावजूद, क्योंकि हमारा वहां बहुमत था, कांग्रेस पार्टी हमें रोक नहीं सकती थी तो मजबूरी में समर्थन किया। यहां पर हमारी संख्या कम है तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा चेहरा आज देश के सामने है कि जब इस मुल्क की खवातीन बहनों बेटियों की इज्जत की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट नीति नहीं अपनाती है। जस्ट ए मिनट, टुडे व्हाट हैज हैपन इन द राज्यसभा, इट इज अ मैटर ऑफ डीप रिग्रेट द कांग्रेस पार्टी विच सपोर्ट द बिल इन द लोकसभा टुक ए कंप्लीटली डाइवर्जेंट व्यू इन द राज्यसभा। टुडे आवर लीडर अरुण जेटली स्पोक, आई स्पोक, इंट्रोड्यूस द बिल, other ministers spoke and also all the members of BJP Raj Sabha. What is the problem of Congress party? If after the judgment of Supreme Court of 27th August 2017 no relief is being given, 100 triple talaqs have happened, I showed to the house yesterday it has happened, day before it said it has happened, should our Muslim women keep quiet?